दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। बहुत बड़ी खबरें लेकर के आया हूँ, पूरा वीडियो भाई बहनों देख करके जाना। यहाँ पर बता दे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आपके 1,75,000 जो टोटल जो घर थे उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं, यानी प्रवेश होगा, लोगों को घर सौंपे जा रहे हैं और इसी के लिए ऑनलाइन जो है वो आएंगे, अपना लाइव कल आने वाले हैं। हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से बताएंगे। और पीएम आवास योजना कहता है पंजीयन जो है आंगनबाड़ी बहनों कराने का आदेश आया है और मात्र केवल आज का ही समय आप लोगों के पास है, तो आज आप लोगों को कैसे क्या करना है और कहां की बहनों को करना है ये आप लोग ध्यान दीजिए। हम आपको सबसे पहले बता दें 12 सितंबर यानी कल के दिन मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम होने जा रहा है, यहां पर पीएम मोदी भाग ले रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो 1,75,000 जो घर हैं वहां पर उद्घाटन कल होगा। हम आपको बता दें लाइव आएंगे पीएम मोदी, और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी बहनों ने मुझे काफी जानकारियां भेजी है। अजय के नाम से भाई है, उन्होंने मुझे अपने अधिकारियों का सीधा मैसेज ही भेज दिया है। ये सब रजिस्ट्रेशन की लिंक भी देख लीजिए पड़ी हुई है, ये pmevents.ncog.government.in। इस लिंक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आज आपके पास केवल मात्र एक दिन का आज ही का समय है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो, हम आपको समझाएंगे कैसे पंजीयन करना है। आगे वेबसाइट की लिंक भी आप देख सकते हो, आपकी दिख रही होगी, पीएम इंडिया वगैरह awebcast.nic.in। ये है प्रोग्राम वगैरह नेम भी आप देख सकते हो, गृह प्रवेश पीएम आवास योजना ग्रामीण। और 12 तारीख को 11 बजे पीएम मोदी लाइव आएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दें अधिकारियों के मैसेज क्या है, लिखा है कि उक्त लिंक आप सभी सीडीपीओ को भेजी जा रही है। इस लिंक पर सभी सीडीपीओ सुपरवाइजर तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनकी संख्या जिले में 4,000 के करीब होती है उन सभी का पंजीयन कराना है। यह पंजीयन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का कार्यक्रम दिनांक 12/9/2020 समय 10 बजे होगा। इसके पंजीयन कराना अनिवार्य है, अतः इस काम को एक दिन में पूर्ण करना है। यदि कोई परेशानी हो तो श्री दामले जी से संपर्क कर सकते हैं, समय सीमा का ध्यान रखें। तो आंगनबाड़ी बहनों आपको अपना पंजीयन करना है और कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं, लिंक वेबसाइट पर जाना कैसे है। अब देखो ये पीडीएफ फाइल भी मेरे पास आ चुकी है, इसमें लिखा भी है, आप देख सकते हो 1,75,000 जो भी मकान है टोटल बेनिफिशियरी हैं उन लोगों का यहां पर गृह प्रवेश के लिए उद्घाटन कल प्रधानमंत्री जी करेंगे। 12 तारीख कल है और कल 11 बजे वो लाइव आएंगे। लिंक वगैरह आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो, ये विजिट वाली लिंक pmevents.ncog.government.in। तो यहां पर लिखा है वेबसाइट एंड रजिस्टर्ड विद योर मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर डाल के केवल आपको रजिस्टर करना है। आगे आपको बता दें और कैसे क्या करना है उसके बारे में देख लीजिए, इसमें लिखा रजिस्टर करें मैं लिंक करना है, ये देख लीजिए। जब आप खोलोगी जो मैंने अभी साइट बताई उस साइट पर जब आप जाओगी उसके बाद जो लिंक करने के लिए सब कहेगा, आप वहां पर लिंक कर दोगी। ये आप देख लीजिए ऐसे सब कुछ खुल के भी आएगा, ये आपको दिख रहा होगा ना, तो रजिस्टर करें मैं लिंक करना है, ये आप देख लीजिए यहां पर सब कुछ दिखेगा। तो उस पर आप जाओगी, उसके बाद देखो ड्रॉप आउट लिस्ट में गृह प्रवेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सेलेक्ट करना है, इस ऐसे आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। साथ ही मोबाइल नंबर वगैरह भी जब आप इसको खोलेंगे यहां रजिस्टर करें वाला ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप जाना, मोबाइल नंबर दर्ज करना और जो भी आप हैं उसके बारे में आप लिखना, साथ ही ओटीपी भेजने पर जो है क्लिक करना है, तो ओटीपी वगैरह आएगी, उसके बाद ओटीपी मोबाइल नंबर डालोगी फिर ओटीपी आएगी, ओटीपी वगैरह भेजे, देखो ये लिखा है मोबाइल नंबर डालो फिर ओटीपी भेजे पर क्लिक करो, फिर ओटीपी फोन में आएगी, उसको इसमें डालना है, फिर दर्ज करके सबमिट करना है। लिखा है मोबाइल नंबर में प्राप्त ओटीपी दर्ज कर दो और सबमिट पर क्लिक कर दो, ऐसे आप लोगों को करना है। आगे बता दें देखो और भी इसमें बहुत कुछ लिखा है, यहां रजिस्टर करें मोबाइल नंबर, देखो ये डाला ओटीपी आ गई, डाल दिया और रजिस्टर कर दिया, उसके बाद नाम ईमेल यदि है तो आवश्यक नहीं है, राज्य जिला अपना पिन कोड ये डालें, तो ईमेल आईडी है तो डाल दो, नहीं तो जरूरी नहीं है, वरना नाम राज्य जिला और पिन कोड आपको डालना जरूरी है। इसके बारे में जानकारी ये देखो इसमें और खुल के आगे आएगा, वो आपको भरना है, ये सब आप देख पा रहे होंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ। ऐसे आपको बता दें और भी आगे लिखा हुआ है, ये आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, ये देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें आपका सब कुछ जो रजिस्ट्रेशन जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो ऐसा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी देगा, और ये सब कुछ करने के लिए बोला जा रहा है आंगनबाड़ी बहनों आप सब अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लगभग जैसे जिलों में 40,000 आंगनबाड़ी बहनें हो जाती हैं,
अब आगे बता दें, देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत दिनांक 12/9/2020 को पूर्वाहन 11 बजे हितग्राहियों के डिजिटल गृह प्रवेश का कार्यक्रम निर्धारित है और प्रधानमंत्री जी आने वाले। देखो शायद ये तो मध्य प्रदेश से लाइव आएंगे, हो सकता है मध्य प्रदेश राज्य के लिए हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या अन्य किसी राज्य से किसी भाई बहन ने मुझे ऐसी जानकारी नहीं भेजी है। तो केवल रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां की मध्य प्रदेश की बहनों को ही करना है, बाकी के राज्यों के भाई बहन मत करना, लेकिन आप सब आगे की जो जानकारियां हैं उनको जरूर देख लेना। देखो अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर ब्राउजर पर आपको जाना है और https करके जो लिखा हुआ ना, ये वेबसाइट है pmevents.ncog.government.in, ये वेबसाइट इस पर जाओ और खोलो। होम पेज पर आपको गृह प्रवेश दिखेगा, उस पर कार्यक्रम पर जो डिस्प्ले में रजिस्टर करें, रजिस्टर आप कर दो, बटन पर क्लिक कर देना, अपना मोबाइल नंबर डालना, फिर ओटीपी आएगी, ओटीपी भेजे पर क्लिक करना, ओटीपी भर देना, 6 अंकों की आएगी, उसके बाद जो स्थान पर प्रविष्टि कर देना, अपना नाम, ईमेल आईडी, राज्य, जिला, पिन कोड दर्ज कर देना, रजिस्टर वगैरह ये सब बटन पर बाद में क्लिक कर देना, ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन सब हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्यक्रम जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और बताया जा रहा कि दिनांक 12/9/2020 को 10:30 बजे जो है आपको ये pmindiaawebcast.nic.in इस लिंक पर जाकर के आप लोगों को कार्यक्रम वगैरह में सम्मिलित होना है, ये बताया जा रहा है। तो इसके लिए जानकारी आई है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश की तरफ से, ये सूचना निकली है। आगे आपको बताना चाहेंगे, अब हम अगली खबर पर आ चुके, आपको बता दें, देखो पोषण वाटिका जो बनी है उसकी लंबाई चौड़ाई दरअसल क्या है, आप लोग देख लीजिए, काम की खबर है। पोषण वाटिका तैयार कैसे करें, 10x10 फीट वगैरह की जगह होनी चाहिए और इसके लिए 10x4 फीट के 2 बेड पौधे रोपण हेतु स्थान तैयार किया जा सकता है। इन बेड़ों में 14 से 18 प्रकार की सब्जियां भाजियां लगाई जा सकती हैं और इस हेतु 1 फीट गहरा एवं 10x4 फीट की आकार के 2 बड़े गड्ढे तैयार किए जाएं। गड्ढे का निर्माण ऐसी जगह पर किया जाना चाहिए जिससे हाथ एवं बर्तन धोने वाला पानी आसानी से पहुंच सके। आंगनबाड़ी भवन के बाउंड्री वाल के अंदर ज्यादा जगह न होने पर 10x4 के एक से दो बेड पौधे रोपण हेतु स्थान बनाया जा सकता है। तो पोषण वाटिका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, यहां पर आप देख सकते हो, एक फीट की तो चार दीवारी आपकी हो गई, उसके बाद आप देख सकते हो बीच में भी आपका 1 से 2 फीट का एक गैप रहेगा, उसके बाद 10x4 का इधर, 10x4 का इधर, तो ये आपने देखा 2 फीट का इधर उधर छूट गया। अब आगे चलते हैं, आपको और बताना चाहेंगे, ये देखो मैसेज है, भैया जी नमस्ते, मेरा नाम रामावती पटेल है, मैं गोंडा जिले से हूं और रुपईढ़ी केंद्र वगैरह नवी जोत से हूं और उनका कहना है मुझे 19 छोटी कुर्सियां व 2 बड़ी कुर्सियां और 1 मेज वगैरह मिला है। थैंक यू भैया जी, तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, ये काफी जगह से काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश से हमारी ये बहन है। आगे मैसेज लालमणी बहन का है, उन्होंने ये देख लीजिए अपना एक वीडियो भेजा है, बच्चों को, लोगों को जो हाथ वगैरह जो है धुलाया जा रहा महिलाओं को। आगे देखो अगला मैसेज ये है, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आपका वीडियो रोज देखती हूं और भाई बहनों सरकार कितना काम का बोझ वगैरह बहनों पर डाल लिया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बहन है जो कोटेदार राशन बांट रहे वहां पर भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों को लगा दिया गया है और ये लापरवाही है आपके वहां के बाल विकास विभाग के अधिकारियों की, क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं हो रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को कोटेदार के साथ में राशन बंटवाने में लगाया गया हो। ये आपके वहां के अधिकारियों की कमियां हैं जो इन चीजों पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आगे बता दें अगला मैसेज ये देख लीजिए, एक और आया, हमारी बहन है और वो भी अपना घर घर गई है, लोगों को हाथ वगैरह धुलाने के बारे में बताया है। साथ ही एक और मैसेज आया है, मंजू सारिका बहन है और उन्होंने ये फोटो देख लो 5 फोटो भी भेजी है, साथ ही देखो 2-2 बार वीडियो कॉल भी की है, जिसके लिए मना करते हैं वही बहनें काम करती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी फोटो हम नहीं कहते, हम कहते हैं सिर्फ 1 फोटो भेजो और कॉल वगैरह तो बिल्कुल मत करना, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है। आगे देखिए अगला मैसेज है, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं बिहार के दरभंगा जिले से हूं, हमारा ब्लॉक अली नगर पड़ता है, हम 12 सेविका को 2 साल काम करते हो गया, अभी तक मानदेय नहीं आया है, CDPO को बोलते हैं तो जो है डॉक्यूमेंट उन्होंने लिख दिया, दरअसल डॉक्यूमेंट वगैरह बोलना चाहती है वो, वेरीफाई कराने के लिए पैसा बहुत घूस मांग रहे। तो आप देख लीजिए कैसे बहनों से पैसे मांगे जा रहे हैं और जो इनका पैसा नहीं आ रहा है, काफी सालों से बकाया है, 12 सेविका बहनें हैं, 2 साल से इनका मानदेय नहीं आ रहा है, बिहार सरकार और बिहार यूनियन वहां का संज्ञान ले, इन बहनों को उनका पैसा भुगतान कराने के लिए, चंदे यादव ऐसे नाम उन्होंने लिख करके भेजा है। साथ ही अगला मैसेज ये एक आया है, अटवा 2 से है विजय लक्ष्मी शर्मा बहन, जो है हरियाणा पड़ता हरदोई में, वहां से पोषाहार का वितरण कर रही है। आगे एक और मैसेज है, उर्मिला जोशी मध्य प्रदेश से बहन है, पोषण अभियान उन्होंने कार्यक्रम मनाए हैं। साथ ही आपको बता दें आगे चलते और भी कार्यक्रम है, जैसे ये देख लीजिए एक और आया है, एक बहन है उन्होंने फोटो भेजा लेकिन नाम वगैरह भेजा नहीं है। आगे एक और बहन है, ये गीता सिंह बहन है और उन्होंने मुझे देख लीजिए 8 फोटो भेजी है, उसमें वीडियो भी है, जबकि मैं कहता रहता हूं केवल 1 फोटो भेजो, इससे ज्यादा मत भेजो। साथ ही बता दें अगला मैसेज ये देख लीजिए आया, हैंड वॉश वगैरह हो रहा है, बनवारा से बहन है और उन्होंने भेजा, फिरोजाबाद से है,
तो बताना चाहेंगे, उन्होंने अपना नाम वगैरह तो लिख करके भेजा नहीं है। आगे एक और बहन है, ये और गजला बहन है, और उन्होंने हरदोई से दरअसल ये, और उन्होंने भी अपना ये हाथ वगैरह धुलते हुए फोटो वगैरह भेजा है। साथ ही अगला मैसेज सुमन लता बहन, सुमन गुप्ता बहन है आंगनबाड़ी, उन्होंने मुझे भेजा है। आप देख सकते हो लालगंज से हैंड वॉश डे यहाँ पर भी मनाया गया। आगे एक और बहन है, किचन गार्डन वगैरह पर गई है, और बलरामपुर से भारती बहन है, उन्होंने ये देखो जानकारी पोषण अभियान के बारे में बच्चों को दी है। साथ ही बता दें एक ये देखिए मैसेज और आया है, वजन वगैरह लंबाई वगैरह माप रही है बहन, और ये आप देख सकते हो सरोज कुमारी बहन है। साथ ही बता दें अगला एक ये मैसेज सुषमा देवी बहन है, वो कुछ कहना चाहती है। भैया कुछ आंगनबाड़ी बहने जो सैम और मैम बच्चों की पहचान नहीं कर पा रही है, काफी परेशान है, तो वे MUSC टेप के द्वारा पहचान कर सकती है। आपको यह समय मिले तो वीडियो के माध्यम से समझा दीजिए। तो ये बहने जो है वो कहना चाहती, तो लेकिन ये टेप वगैरह मान लो उनके पास नहीं है, या मान लो है तो भी उनको करने में दिक्कत आएंगी। और वैसे भी कुपोषित सैम मैम बच्चों की पहचान के लिए लंबाई और वजन दोनों की माप जरूरी होती है, तभी पता चलेगा कि लंबाई के सापेक्ष उनका वजन कितना है, और तब पता चलेगा बच्चा कुपोषित है या नहीं। आगे बता दें अगला मैसेज अनीता बहन का, उन्होंने कोई पेन वगैरह का लगाया है, उसी के बारे में फोटो भेजी है। साथ ही एक और बहन है, ये गीता बहन, उन्होंने देखो चार चार फोटो भेजी है। और आगे बताना चाहेंगे एक और ये बहन है, उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा है, बिजनौर से है कार्यकर्ती बहन, और ये साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। अगला मैसेज ये देख लीजिए, एक और आया सुधांशु भैया नमस्ते, मेरे यहाँ जूनियर टीचर को कोरोना पॉजिटिव वगैरह जो है वो उनका कहना निकला है, जबकि ऐसा नहीं, कोरोना उनको हो गया है, यानी वो पॉजिटिव निकले, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये कह सकते हैं श्रीमती अनीता देवी बहन है, सैफई वगैरह जिला इटावा से हैं। आगे बता दें अगला मैसेज मध्य प्रदेश से रेशमा बहन का है, वो देखो पोषण अभियान की वेबसाइट पर जो मैंने बताया था कि एक्टिविटी आप लोगों को दर्ज करनी है, लाभार्थियों वगैरह को कौन कौन आया है, उनका देखो पोषण अभियान का डाटा एंट्री बहन ने अपना कर दिया है, सक्सेस वगैरह भी इनका हो गया है। ऐसे आप लोगों को भी करना है, मैंने वीडियो एक दिन पहले ही आपको दे दिया है। तो आप लोगों को बता दें अब आज का वीडियो ये सुबह का कैसा लगा, और खासकर मध्य प्रदेश की बहनों पर काम का बोझ है वो वाला कि PM आवास योजना को लेकर के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से ही लाइव आने वाले, और वहां पर ये सब कुछ होने जा रहा है। 1,75,000 लोगों को बताया जा रहा है जो घर हैं उनका प्रवेश वगैरह करवाया जाएगा, गृह प्रवेश, तो उसी के लिए वो लाइव आ रहे हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए सभी आंगनबाड़ी वर्करों को जो है वहां पर अपना अपना ये सब कुछ दर्ज करवाने के लिए बोला जा रहा है कि अपना अकाउंट वगैरह सब कुछ दर्ज कर ले, सॉरी नाम